हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं आपको मनोविज्ञान में टैबलेट सीरीज पढ़ा रहा हूं, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्द वह उनकी उत्पत्ति। मतलब मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, वो किस भाषा के शब्द है और उसका अर्थ क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला शब्द है साइकोलॉजी। क्या शब्द है? साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। एक हुई है साइको प्लस लोगोस। जो है साइको है ना, साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ साइकोलॉजी शब्द का जो अर्थ है ना, वो है आत्मा का विज्ञान। दूसरा शब्द क्या है भाई? एजुकेशन। एजुकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है भाई एडुकेयर। किससे हुई है? एडुकेयर। और ये किस भाषा का शब्द है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है शिक्षित करना। मतलब किसी को भी जो भी मानव है, कुछ भी है, उसे शिक्षित करना, इसका अर्थ है। तो हमने क्या जाना भाई? एजुकेशन का क्या अर्थ है? शिक्षित करना। और साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा का विज्ञान। ये किस शब्द से बना है, ये चीज देख लेना। फिर अब तीसरा देखते हैं भाई, शिक्षा। शिक्षा की उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से। किससे हुई है? शिक्ष धातु से हुई है। और ये किस भाषा का शब्द है? ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है भाई? जो पंडित होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं प्राचीन काल के लोग, वो संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका अभी तक कोई अर्थ नहीं पता चला है, केवल इतना है कि ये शिक्षा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। फोर्थ करते हैं भाई, एडोलेंस। क्या भाई? एडोलेंस। इसे बोलते हैं हम किशोरावस्था। ठीक है, जो किशोरावस्था है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भाई? एडोलेशियर। किससे हुई है भाई? एडोलेशियर। एडोलेशियर है। और किस भाषा का शब्द है ये? ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वृद्धि। किशोरावस्था में भाई किसके अर्थ होता है इसका? वृद्धि। हम फिफ्थ देखते हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को भाई बोलते हैं हम व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। इसकी उत्पत्ति हुई है ना, किससे हुई है भाई? परसोना। पर्सनैलिटी की उत्पत्ति हुई है परसोना। किससे हुई है? परसोना से हुई है। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भाई परसोना का मतलब मुकुटा टाइप से इसका अर्थ लिया गया है। मतलब हम कह सकते हैं नाटकीय पोशाक भी बोल सकते हैं, मुकुटा। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। सिक्स है हैबिट। हैबिट मीन्स क्या होता है? सभी जानते हैं आदत। हैबिट माने क्या होता है भाई? आदत। और ये किस सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है? हैबिट्स। हैबिट की उत्पत्ति किस सबसे हुई है? हैबिट से हुई है। ये भी किस चीज का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ देखते हैं हम, किसी चीज को प्राप्त करना। आदत शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। आपको बिल्कुल याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है भाई रुचि। क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को हम? रुचि। और ये किससे लिया गया है भाई? इसकी उत्पत्ति किससे हुई है भाई? इंटरेसिस। इंटरेसिस, ठीक है। और ये भी क्या है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ना इंटरेस्ट का, वो देखते हैं। यह संबंधित है या अंतर करना, मतलब किसी चीज में अंतर करने से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं भाई मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। और जो मोटिवेशन शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है मोटम शब्द से हुई है। किससे हुई है? मोटम शब्द से हुई है। आपके सामने लिखा हुआ है ठीक से, ये भाई मात्रा है, हम सही कर देता हूँ। किससे हुई है? मोटम शब्द से हुई है। और ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? मोटिवेशन भी लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है टू मूव और मोशन। टू मूव और ओशन। टू मूव और मोशन। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण शब्द थे, उनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, वे किस भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में जाना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साइकोलॉजी का याद रखना है आपको,
एजुकेशन कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन बन जाता है। एडोलेंस, इसके बारे में ध्यान रखना है। और मोटिवेशन, ये भी पूछा गया है कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, भाई पर्सोना से हुई है, मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना, इसका अर्थ के बारे में जानना। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और